संजय हिसार ब्लू कॉर्नर, ये प्लेयर भी रेडी रहे। इसके बाद आपकी सेमीफाइनल फाइट होगी। कौन सी चला रखी है? फाइनल है ना? सेकंड हरियाणा ग्रैपलिंग कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन मथुरा गोहाना सोनीपत में आयोजित की जा रही है। ये जो फाइट है कार्तिक फतेहवाद संदीप किसान के बीच में, नोगी 77 किलोग्राम भार वर्ग के अंदर आप देख पा रहे हैं। अंकित सिंह इशार ब्लू कॉर्नर, ये -84 केजी संदीप ने टेक डाउन करवाया। तुषार रोहतक और मनवीर हिसार भी तैयार रहे। सेमीफाइनल से पहले शेखर सोनीपत रेड कॉर्नर और गौरव करनाल ब्लू कॉर्नर के बीच फाइट होगी। शेखर सोनीपत रेड कॉर्नर, गौरव करनाल ब्लू कॉर्नर के बीच फाइट होगी। जिस वेट कैटेगरी का फाइनल हो चुका है, थोड़ी देर में स्टेज के पास इसकी मेडल सेरेमनी शुरू होने जा रही है। सभी प्लेयर्स तैयार रहे। जिस वेट का फाइनल हो चुका है, उस वेट की मेडल सेरेमनी स्टेज के पास कुछ ही देर में शुरू होने जा रही है। सभी तैयार है। खिलाड़ी जिन का फाइनल हो चुका है, कैटेज में जिनका फाइनल हो चुका है, खिलाड़ी तैयार होकर चार 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 फुल माउंट का ऊपर के प्लेयर ने चार पॉइंट हासिल किया है। ब्लू कॉर्नर में समीशन की पोजीशन ब्लू कॉर्नर के प्लेयर ने ली हुई है। लोक चौक का ये खेल प्रतीक फोगाट चरखी दादरी और अंकित सिंह हिस्सा बोध रेसलर मैच नंबर एक पर रिपोर्ट करें। जूनियर नोगी की -84 केजी की आउट मैच नंबर एक पर स्टार्ट होने वाली है। शेखर सोनीपत रेड कॉर्नर, गौरव करनाल ब्लू कॉर्नर, ये प्लेयर भी रेड है। फाइट के बाद आपके फाइट होगी। सभी वेट कैटेगरी जिनका फाइनल हो चुका है, वो सभी खिलाड़ी तैयार होकर स्टेज के साइड में आ गए। आपकी मेडल सेरेमनी स्टेज के पास पहुंचना शुरू होने जा रही है। और अगली कुश्ती शुरू होने से पहले आशीर्वाद के लिए गांव के बुजुर्ग आएंगे, कुश्ती शुरू करवाएंगे। बलबीर प्रधान जी हमारे भी ताकि टाइम हो गया और समय समाप्त।
ब्लू कॉर्नर के रेफलर विजय अपन स्थान प्राप्त किया था भाई रेफलर को। रेड कॉर्नर